एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा खरीदने गए, एक देहाती बेचने के लिए आया हुआ। पूछा कितने का? कहने लगा 100 दिनार का। फरमाया लगता नहीं है, ये तो मुझे 200 का लग रहा है। तो देहाती बड़ा खुश हुआ, गया सरकार 200 दे दो। फरमाया ऐसा है, मुझे ये 200 का भी नहीं लग रहा, 500 का लग रहा है। देहाती बड़ा खुश हुआ, कहता जनाब 500 दे दो। फरमाया नहीं नहीं मुझे ये 500 का भी नहीं लग रहा, 700 का लग रहा है। और जनाब 700 ही दे दो। फरमाया नहीं सवारी करूंगा। सवारी की, उतरे। फरमाया मुझे तो लगता है ये 1000 दिनार का है, बड़ी आला नस्ल का घोड़ा है। तो जब 1000 दिनार उसको दिए तो गुलाम ने कहा कि जनाब ये तो 100 रुपए में बेचने के लिए तैयार था, आपने 1000 दिनार का किरा खरीद लिया। फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यह तरबियत दी है, हम कारोबार में माल खरीदते हैं, मजबूरियां नहीं खरीदते। यह शख्स मजबूरी में 100 दिनार का बेच रहा था, इसके घर में शादी है, इसकी बेटी के दहेज के लिए इसको जरूरत है, लेकिन इसकी मालियत 1000 दिनार की है। अगर ये अच्छे हालात में बेचता तो 1000 का बेचता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यह तरबियत दी है, यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि हम कारोबार में सामान खरीदते हैं, मजबूरियां नहीं।